अक्सर हम जब अपने केक या कपकेक को पूरी गनाश से पूर करने के बाद फ्रीज में रख देते हैं तो थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि केक की जो ऊपर की लेयर है वो थोड़ी फेड सी हो जाती है, देखिए इस तरह की, यानी कि उसमें वो शाइनी लुक नहीं रहता है जो हमें मार्केट में मिलता है। तो बस आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूँगी कि कैसे आप अपने केक को जब गनाश से पोर करें तो उसमें ऐसा क्या डालें कि वो बिल्कुल ना जमे, एकदम शाइनी वो बना रहे, जैसा कि मिरर ग्लेज होता है ठीक उसी तरह का। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस ट्रिक को आजमाते हैं यानी कि ट्राई करते हैं तो अपने फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू और आपका एक बार फिर से स्वागत है क्यूजीन क्रश में। तो सबसे पहले यहाँ पर पोरिंग गनाश बनाने के लिए मैंने ली है 1 कप चॉप्ड की हुई चॉकलेट, जो कि 150 ग्राम है वेट में। आप यहाँ पर कंपाउंड भी ले सकते हैं। 150 ml ही मैंने यहाँ पे ली है क्रीम, जिसको मैंने गरम कर लिया है, और गरम करने के बाद मैं इसे चॉकलेट के ऊपर पोर कर रही हूँ, देखिए इस तरह से। बस 5 मिनट तक हम इसे ऐसे ही रहने देंगे और फिर हम इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि शुरुआत में आपको हल्का इस तरह का दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे क्रीम और चॉकलेट अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी, देखिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा नॉर्मल पोरिंग गनाश बनकर तैयार है, जैसा कि हम रेगुलरली बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जितना भी गनाश आपको केक के ऊपर पोर करने के लिए चाहिए उतना गनाश आप सबसे पहले एक छलनी से छान लें, क्योंकि अगर चॉकलेट में कोई गंदगी भी होगी या कोई मोटा दाना रह गया होगा मेल्ट होने से, वो छलनी के ऊपर रह जाएगा। अब देखिए ये हमारा अच्छे से एकदम छना हुआ पोरिंग गनाश तैयार है। अब इस 1 कप पोरिंग गनाश में आप या तो 1 टेबल स्पून डाल दीजिएगा न्यूट्रल ग्लेज, जिसे न्यूट्रल जेल भी कहा जाता है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, या फिर आप इसमें डाल दीजिएगा 1 टेबल स्पून कॉर्न सिरप। चूंकि न्यूट्रल ग्लेज या कॉर्न सिरप दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास कभी नहीं होती हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ, आप 1 टेबल स्पून हनी लीजिएगा यानी कि शहद, और वो आप इस पोरिंग गनाश में मिक्स कर दीजिएगा। आपका जो गनाश है वो एकदम शाइनी हो जाएगा, जैसा कि मिरर ग्लेज होता है ठीक उसी तरह का। जब आप इसे केक के ऊपर पोर करेंगे तो एकदम शाइनी सा लुक आएगा, और फ्रीज में रखने के बाद भी आपके केक का जो लुक होगा वो उतना ही शाइनी बना रहेगा। तो देखिए इस तरह से आप इस पोरिंग गनाश को केक के ऊपर पोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ का जो रिफ्लेक्शन है वो केक के ऊपर दिखाई दे रहा है, एकदम मिरर ग्लेज जैसा लुक केक के ऊपर आया है। अब हम कैसे इस पोरिंग गनाश को स्टोर करें, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे स्टोरेज को लेकर भी क्वेरीज आती हैं। तो देखिए अगर ये पोरिंग गनाश आपका बच गया है तो आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डालिए, या फिर आप इसे क्लिंग रैप से रैप कर दीजिए। आप इसे आराम से 10 दिन तक फ्रीज में रख सकते हैं, और अगर आप इसे ज़्यादा दिनों तक फ्रीज में स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे डीप फ्रीजर में रखिए, यानी कि फ्रोजन सेक्शन में 1 से 2 महीने तक भी आपका ये गनाश बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस आपको जब इस गनाश को दोबारा इस्तेमाल करना हो तो इसे रूम टेम्परेचर पर लाइए, और आप इसे 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर लीजिएगा। आपका ये जो गनाश है वो दोबारा से पोरिंग कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ पोरिंग गनाश से जुड़ी ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई इनोवेटिव रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।